थॉट इंटरनेशनल स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवरी रोड स्थित विद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर आर के महेश्वरी ने बच्चों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी के प्रति व्यक्तियों की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का औपचारिक कार्यक्रम है। थॉट इंटरनेशनल स्कूल देवरी रोड आगरा में बच्चों ने विद्यालय के प्रांगण में शपथ ग्रहण दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत विद्यालय के डायरेक्टर ने चुने हुए बच्चों को शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण समारोह एक औपचारिक कार्यक्रम है जो किसी विशिष्ट भूमिका या जिम्मेदारी के प्रति व्यक्तियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें प्रतिभागियों को अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ पूरा करने के प्रति समर्पण की घोषणा करनी होती है। समारोह में आमतौर पर प्रमुख हस्तियों के भाषण एवं एक संबंधित अधिकारी द्वारा शपथ का प्रशासन शामिल होता है। प्रतिभागियों को विशिष्ट प्रोटोकॉल का पालन करना और औपचारिक पोशाक पहनना आवश्यक है। समारोह का उद्देश्य भूमिका के महत्व और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता पर जोर देना है। सभी स्कूल टीचर्स का बराबर का सहयोग रहा तथा कार्यक्रम का संचालन प्रभाष शर्मा ने किया। मून न्यूज के लिए मनीष तिवारी की रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून। Today, in Thought International School, Devi Road, Agra, we celebrate investor ceremony. Our director, Dr. R.K. Maheshwari, and principal, Prabha Ma'am, inaugurate the ceremony by enlighting the lamp. Thereafter, students were allocated different batches with their different posts. And then, thereafter, director sir deliver his speech and tell about the responsibilities and duties towards the school. Later on, the small children perform various cultural activities, like solo dance, group dance, and etc. Later on, the whole staffs pledge towards the responsibilities towards their school. Thank you. नमस्कार, आज हमारे विद्यालय थॉट इंटरनेशनल स्कूल देवरी रोड आगरा में इन्वेस्टिशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हमारे डायरेक्टर सर आर के माहेश्वरी जी ने माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण करके साथ किया। इसके बाद सर ने अपने एड्रेसिंग स्पीच में स्टूडेंट्स को अपनी लैब में डिसिप्लिन तथा अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने को कहा। इसके बाद छात्रों को डिफरेंट हाउसों में डिवाइड किया गया और उसके बाद उनको कैप्टन, वाइस कैप्टन, डिसिप्लिन इंचार्ज, कल्चरल इंचार्ज, मीडिया इंचार्ज आदि पोस्टों से अलंकृत किया गया तथा उनको बैजेस प्रदान किए गए। इसके बाद छात्रों ने अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए। धन्यवाद।